मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो आपके डाउट्स हैं वो क्या क्या हैं, उनके सॉल्यूशन क्या क्या हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर आपके काफी कॉमेंट्स आते रहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ये मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं, लेकिन ये दो दिन से अभी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने सोचा एक कंसोलिडेट वीडियो बना देता हूं जिससे कि सभी स्टूडेंट को इसका पता लग जाए। हालांकि काउंसलिंग प्रोसेस के वीडियो हम समय समय पर डालते रहते हैं, तो आपको भी इनके बारे में जानकारी होगी, लेकिन जिन स्टूडेंट को जानकारी नहीं है वो ये वीडियो से लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले अभी ऑल इंडिया कोटा के रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं, चॉइस फिलिंग 24 जनवरी तक है, और स्टेट के रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं। तो स्टेट के रजिस्ट्रेशन किसी के कंप्लीट हो चुके हैं, आपने कर दिए होंगे, एक दो स्टेट के बाकी हैं वो भी आप कर देंगे। तो स्टेट की काउंसलिंग भी साथ ही चल रही है और ऑल इंडिया कोटा की भी साथ ही साथ चल रही है। तो सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की आपने च्वाइस फिल करनी है। तो मैं बता दूं, च्वाइस फिल आपको टॉप से लोवेस्ट के क्रम में फिल करनी है, चाहे आपके मार्क्स कितने भी हो। अगर किसी स्टूडेंट के 500 मार्क्स भी हैं तो उसको टॉप में एम्स दिल्ली ही रखना चाहिए। हम सब जानते हैं कि इस मार्क्स पर ये इंस्टीट्यूट तो नहीं मिलेगा, लेकिन च्वाइस का नियम यही कहता है कि टॉप से लोवेस्ट में फिल करोगे तो आपकी बीच वाली मिडिल वाली जो कॉलेज हैं जो आपको मिलने हैं वो छूट नहीं जाएंगी, वो आपको सीरियलिटी वाइज मिलेंगी। अब यहां पर सबसे बड़ा स्टूडेंट का डाउट यह रहता है कि मान लो आपके कितने भी मार्क्स हैं, आपने कोई कॉलेज 100 सीरियल नंबर पर फिल की है, यानी कि 100 सीरियल नंबर पर फिल की है, आपसे डाउन रैंक के किसी स्टूडेंट ने उस कॉलेज को एक नंबर चॉइस फिलिंग पर ही कर दी है, मतलब एक नंबर चॉइस पर ही फिल कर दी है, सीरियल नंबर एक पर कर दी है, तो पहले कॉलेज किसको मिलेगी? यह सबसे ज्यादा डाउट होता है। तो पहले आपके मार्क्स ज्यादा हैं, 100 मार्क्स हैं तो आपको ही मिलेगी, चाहे उसमें आपने कितनी नंबर पर फिल किया हो। ये किस कंडीशन में नहीं मिलती है? काफी स्टूडेंट का डाउट होता है, सर ये तो मेरे से डाउन रैंक का था, इसको कॉलेज मिल गई, मेरे को क्यों नहीं मिली? तो वो कॉलेज आप अगर फिल नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगी, और आपका डाउन कैटेगरी का डाउन रैंक का स्टूडेंट उस कॉलेज को फिल करेगा तो उसको कॉलेज मिल जाएगी। तो ये तो इसमें बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि पहले सीट किसको मिलेगी। सीट कंप्यूटर से मेरिट वाइज और उसके बाद में प्रिफरेंस वाइज अलॉट होती है। इसका मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि कंप्यूटर कैसे कैसे सीट अलॉट करता है आपकी, तो वो आप वीडियो चैनल सर्च करके देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट का। तो च्वाइस फिल करते समय आपको टॉप से लोएस्ट में करनी है, और इसके बाद में आपकी डिजायर जो कॉलेज है वो आपने पहले फिल करना है। ये मैं कैसे कैसे फिल करना अपने बुक में भी बता चुका हूं। जो नई कॉलेज हैं उसको आप नीचे ही नीचे ऐड कर दें, जो तमिलनाडु की कॉलेज है, यूपी की नई कॉलेज है, उसको आप नीचे ही नीचे ऐड कर दें उसमें। तो ये तो हो गया च्वाइस फिल की, आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद में च्वाइस फिल कर दी। च्वाइस फिल करने के बाद में 29 जनवरी को अलॉटमेंट होगा एमसीसी का। अच्छा बात बताऊं लॉकिंग की, तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी, आपको लॉक करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कहता हूं यहां पर आपको कि लॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें लॉक कर देंगे तो आप उसमें बाद में एडिट नहीं कर सकते और ऑटो लॉक हो ही जानी है, इसलिए आपने इसको लॉक नहीं करना है। तो 29 को जब रिजल्ट आएगा, अगर इसमें आपको सीट अलॉट हो जाती है, 29 को फर्स्ट राउंड का एमसीसी का पहला रिजल्ट आएगा, स्टेट के रिजल्ट्स बाद में आएंगे, तो इसमें अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आपकी डिजायर्ड सीट है, यानी कि आप जो चाह रहे हैं वो सीट आपको मिल रही, तो उस सीट पर आप ज्वाइन कर लें और साथ ही अपग्रेड का ऑप्शन दे दें। तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, अपग्रेड का ऑप्शन देंगे, तो सेकंड राउंड में ये सीट आपकी अपग्रेड हो सकती है आपकी सीनियरिटी के अनुसार, आपकी प्रेफरेंस और चॉइस फिल के अनुसार। अब यहां पर स्टेट का, ऑल इंडिया का रिजल्ट आने के बाद में स्टेट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ऑल इंडिया का रिजल्ट जो रिपोर्टिंग डेट है वो 4 फरवरी 2022 है, तो इसी के बाद या नियर बाई स्टेट का भी फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां पर आपने देख लेना है कि आपको ऑल इंडिया से अच्छी सीट मिल रही है या फिर स्टेट से अच्छी सीट मिल रही है।
तो यहां पर मैं आपको दो बता दूं कि जो लोअर कट ऑफ के स्टेट से महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उन कैंडिडेट को उनके स्टेट से सीट लेनी चाहिए क्योंकि बेहतर स्टेट वहां पर मिलेगी, बेहतर सीट वहां पर मिलेगी। और जो हाई कट ऑफ के स्टेट है जैसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, इसके बाद में यूपी की तो थोड़ी सी डाउन चली जाएगी, हरियाणा हो गया, तो ये हाई कट ऑफ वाले स्टेट से ये ऑल इंडिया में इनको अच्छी सीट मिलेगी अपने स्टेट की बजाय। तो ये हो गया, अगर आपको ऑल इंडिया में ठीक सीट मिल रही तो फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट ले लें, अदरवाइज आपके स्टेट में अगर आपको फर्स्ट राउंड में ठीक सीट मिल रही तो ऑल इंडिया की सीट को रहने दें और स्टेट से सीट ले लें। अब यहां पर ज्यादा बच्चों का, सबसे ज्यादा बच्चों का डाउट ये रहता है कि अगर हमने ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड में सीट ज्वाइन कर ली, ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड में सीट ज्वाइन कर ली तो उस सीट को कब तक छोड़ सकते हैं, हमें क्या पता स्टेट में सीट अलॉट हो जाए। तो सबसे ज्यादा बड़ा डाउट यह होता है कि इस ऑल इंडिया पर की सीट पर ज्वाइन करने के बाद, अपग्रेड ऑप्शन देने के बाद, इस सीट को हम कब तक छोड़ सकते हैं। तो इस सीट को आप सेकंड राउंड के अलॉटमेंट के दो दिन बाद एमसीसी द्वारा एक डेट दी जाएगी, उस डेट तक इस सीट को छोड़ सकते हैं आप। इसके दौरान भी आपका अगर स्टेट में हो जाता है, आपने ऑल इंडिया में एडमिशन ले लिया, इस दौरान आपका स्टेट में हो गया, तो आप वहां उस सीट को छोड़ सकते हैं और एक टाइम दिया जाएगा जो एमसीसी का सेकंड राउंड होगा, उस सेकंड राउंड के दो दिन बाद तक भी इस सीट को छोड़ सकते हैं अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई सेकंड राउंड में। तो इसमें तो ज्यादा अगर आपने ज्वाइन भी कर लिया तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसमें आप इस सीट को बाद में भी छोड़ सकते हैं। तो अगर आप दो दिन के बाद जो एक एमसीसी टाइम देता है उसके बाद अगर इस सीट को आप छोड़ते हैं तो फिर आपको सेकंड राउंड के रूल लागू हो जाएंगे। तो ये तो हो गई फर्स्ट राउंड की बात। अब फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट राउंड है, अगर आप किसी कॉलेज आपको अलॉट हो गई, ज्वाइन नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन मत करो, उसमें आप नेक्स्ट राउंड के लिए इलिजिबल रहेंगे, आपकी सिक्योरिटी मनी भी कहीं नहीं जा रही है। तो ये आप इसमें फ्री एग्जिट है, आपकी इच्छा है फर्स्ट राउंड ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको अच्छी कॉलेज मिलती है तो आप ज्वाइन कर ले, अदरवाइज रहने दें। इसके बाद नेक्स्ट बात यह है कि इसके बाद में सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन होंगे, सेकंड राउंड के फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे और सेकंड राउंड में च्वाइस फिल आपकी फ्रेश फिल की जाएगी। ये भी स्टूडेंट का काफी ज्यादा डाउट रहता है कि ये ही च्वाइस के आगे कैरी फॉरवर्ड होंगी फर्स्ट राउंड वाली, तो नहीं, ये सारी नल हो जाती हैं और सेकंड राउंड में आपको फ्रेश च्वाइस फिल करनी होगी ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में। अगर आपका स्टेट के फर्स्ट राउंड में कोई आपको अच्छी सीट नहीं मिली, ज्वाइन नहीं की है, तो आप ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में च्वाइस फिल कर दें, फ्रेश च्वाइस फिल। लेकिन सेकंड राउंड में आपको वही कॉलेज फिल करनी है जो आपको लेनी है, क्योंकि सेकंड राउंड की कंडीशन पहले जैसी ही है, उसमें कंडीशन यह है कि अगर आपको सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट हो जाती है और उस पर आप ज्वाइन नहीं करते तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड हो जाएगी, यानी कि जो डिम्ड की कंडीशन में 2 लाख रुपए चले जाएंगे और गवर्नमेंट की कंडीशन में 10,000 और 5,000 कैटेगरी अनुसार आपके पैसे जब्त हो जाएंगे इसमें। तो आपने सेकंड राउंड में जो च्वाइस फिल करनी है वो बड़े ही ध्यान से करनी है, जो कॉलेज आपको लेनी है वही कॉलेज आपको फिल करनी है सेकंड राउंड की च्वाइस फिल करने के बाद। सेकंड राउंड की च्वाइस फिल करने के बाद में सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा और फिर उसके बाद में सेकंड राउंड में अगर रिजल्ट के बाद आपको डिजायर्ड कॉलेज मिल गई तो आप उस पर ज्वाइन कर लो, अदरवाइज अगर आपको स्टेट में सीट मिल रही है, नहीं मिली स्टेट में सीट मिल रही तो स्टेट के सेकंड राउंड में आप सीट ज्वाइन कर लो, अगर आपकी अच्छी सीट मिल रही है आपको सेकंड राउंड के स्टेट में। अब यहां पर ऑल इंडिया में आप सीट नहीं ले रहे हैं, स्टेट में आपने सीट ले ली और उसके बाद में आप ऑल इंडिया के मोपअप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो यहां एक ध्यान देने वाली बात है,
ऑल इंडिया के मोपअप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने स्टेट के रूल्स देख लें। वहां सेकंड राउंड के बाद आपको सीट छोड़ने का मौका मिल रहा है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग कंडीशंस है। आप स्टेट की सीट छोड़ने के बाद कहीं वो स्टेट आपको ये तो नहीं बोल रहा है कि आपने सेकंड राउंड की स्टेट की सीट छोड़ दी तो आप कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो आप अपने स्टेट्स के रूल देख लें एक बार, क्योंकि काफी स्टेट में सेकंड राउंड के बाद डॉक्यूमेंट्स भी डिपॉजिट हो जाते हैं। तो आप अगर स्टेट आपको इजाजत देता है तो आप मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एमसीसी का ये कोई वो रूल नहीं है कि अगर आपने स्टेट के मोपअप में पार्टिसिपेट कर लिया, सीट ज्वाइन कर ली, तो फिर एमसीसी के मोपअप में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऐसा कोई रूल नहीं है। आप स्टेट से एक बार कर लें, क्योंकि कई कई स्टेट में ऐसा भी है कि आपने ज्वाइन कर लिया तो आप उसके बाद में कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अपने स्टेट की रूल्स को एक बार आप देख के फिर मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करें एमसीसी के। तो एमसीसी के मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी दो कंडीशन है। एक तो यहां पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, अभी तक आपने नहीं किया है एमसीसी में रजिस्ट्रेशन, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके फीस डिपॉजिट करके कर सकते हैं। या फिर सेकंड राउंड में आपको सीट मिल गई थी, आपने उस पर ज्वाइन नहीं किया, आपकी जो फॉरफिट हो गई सिक्योरिटी मनी, तो आप फिर से सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मोपअप राउंड में। अब मैं आपको यहां बता दूं कि एक रीसेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होता है। काफी स्टूडेंट को इसके बारे में डाउट रहता है कि ये रीसेट रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में जैसे ऑल इंडिया कोटा ही फिल किया हो, एम्स वगैरह ओपन सीट नहीं की हो, या फिर डिम्ड नहीं की हो, डिम्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट रीसेट रजिस्ट्रेशन का उपयोग कर सकते हैं, वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। लेकिन ये एक ही बार होता है। अगर आपने एक बार कर दिया उसके बाद में आप सोचेंगे कि फिर स्विच करना चाहते हैं तो स्विच नहीं कर सकते। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ऑल इंडिया भरा है फिर वो चाहते हैं कि मैं डिम्ड भी भरना चाहता हूं, तो ये रीसेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, अभी एक्टिव है, तो आप ये कर सकते हैं। मतलब कि जहां आप डिम्ड लेना चाहते हैं, ओपन सीट फिल की है, तो डिम्ड भी आप ले सकते हैं उसमें। तो ये कंडीशन है रीसेट रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद ऑल इंडिया का मोपअप हो जाएगा, और ऑल इंडिया का मोपअप होने के बाद में स्टेट का मोपअप होगा। अगर आपको ऑल इंडिया के मोपअप में सीट नहीं मिलती है तो आप स्टेट का मोपअप में सीट ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनकी, बहुत सारे नहीं, तकरीबन स्टेट ऐसे हैं कि सेकंड राउंड तक ही च्वाइसें उनकी फिल हो जाती हैं, लेकिन जो सेकंड राउंड में ऑनलाइन करवाते हैं उनकी मोपअप में सीटें जरूर रहती हैं। ऐसे स्टेट जो सेकंड राउंड ऑनलाइन करवाते हैं उनकी सीटें जरूर रहती हैं मोपअप में, लेकिन जो ऑफलाइन होता है उसमें नेक्स्ट राउंड में सीटें कम रहने की उम्मीद रहती है। जैसे तमिलनाडु स्टेट है, वो सारा ऑफलाइन करवाता है काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड में ही उसकी तकरीबन सीटें फिल हो जाती है, सेकंड और मोपअप में सीटें कम बचती हैं। तो इस प्रकार से आप अपने स्टेट का देख लें कि मोपअप राउंड में कैसे हो रहा है। अगर सेकंड ऑफलाइन हो रहा है तो मोपअप में सीटें आएंगी, अगर ऑनलाइन हो रहा है, सॉरी ऑनलाइन हो रहा है तो मोपअप में ज्यादा सीटें आएंगी, ऑफलाइन हो रहा है तो मोपअप में कम सीटें आएंगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड, स्टेट के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में गवर्नमेंट की बहुत ही कम यानी न के बराबर सीटें रहती हैं, और ऑल इंडिया के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में इस बार कुछ सीटें रह सकती हैं, ज्यादा तो सीट इसमें भी रहने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो बॉर्डर के कैंडिडेट हैं उनको यहां मौका मिल सकता है सीट लेने का। तो ये इस प्रकार से कुछ डाउट्स थे काउंसलिंग के बारे में, और बाकी आप के जो भी डाउट होंगे हम समय समय पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे काउंसलिंग के रिगार्डिंग। अब आपको सेकंड राउंड का एमसीसी का एक फिर मैं आपको ये रूल बता देता हूं कि कैसे कैसे आपने जैसे फर्स्ट राउंड में ज्वाइन कर लिया उसके बाद में क्या प्रोसीजर होगा। तो एमसीसी के फर्स्ट राउंड में आपने ज्वाइन कर लिया, वहां पर फीस डिपॉजिट करनी है, डॉक्यूमेंट्स वहां पर डिपॉजिट करने हैं, अपग्रेड का ऑप्शन देना है। सेकंड राउंड में सीट अपग्रेड हो जाती है तो आप वहां से उस सीट को रिजाइन देना है, वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके फिर जो आपको दूसरी सीट अलॉट हुई है, न्यू सीट अलॉट हुई है सेकंड राउंड में, उस पर जाके आपने एडमिशन लेना है। यही कंडीशन
मॉपअप राउंड में है, लेकिन मॉपअप राउंड में अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं है। सेकंड के बाद में आप मॉपअप राउंड के लिए अपग्रेड नहीं कर सकते हैं इसमें। तो ये जनरली सी आंसर थे आपके क्वेश्चनों के। हो सकता है आपको इनके बारे में पहले से भी पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता है और मेरे पास YouTube पर कमेंट्स आते रहते हैं, तो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो बना के आपको बता दिया जाए। बाकी काउंसलिंग के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ब्राउचर से भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। स्टेट के भी इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जारी होते हैं, वहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं, और स्टेट की काउंसलिंग और ऑल इंडिया की काउंसलिंग को बैलेंस करके चल सकते हैं कि कहां पर आपको बेहतर सीट मिल रही है। तो ये जानकारी थी। मिलेंगे नए वीडियो में, नई अपडेट के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।